आज हम 10th क्लास की केमिस्ट्री का स्मार्ट एक्सपेरिमेंट नंबर 31 परफॉर्म करेंगे, जिसमें हमने क्या परफॉर्म करना है, आइडेंटिफाई एल्डिहाइड। एल्डिहाइड को हमने आइडेंटिफाई करना है दो टेस्ट के जरिए, यूजिंग फिनिंग टेस्ट एंड टोलन टेस्ट। यानी कि हम एल्डिहाइड को आइडेंटिफाई करेंगे फिनिंग टेस्ट और टोलन टेस्ट के जरिए। जी स्टूडेंट, इस एक्सपेरिमेंट के लिए जो हमें अपरेटस चाहिए उसमें फिलिंग सॉल्यूशन ए, फिलिंग सॉल्यूशन बी, ग्लूकोज, अमोनिया सॉल्यूशन, सिल्वर नाइट्रेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, स्टीरर, ड्रॉपर, टेस्ट ट्यूब होल्डर, सेपरेट लैंप और मैच बॉक्स शामिल है। स्टूडेंट, ये टेस्ट ट्यूब है और ये टेस्ट ट्यूब होल्डर है। सबसे पहले आपने क्या करना है कि टेस्ट ट्यूब को टेस्ट ट्यूब होल्डर में अच्छी तरह फिक्स कर देना है। जी स्टूडेंट, टेस्ट ट्यूब को टेस्ट ट्यूब होल्डर में फिक्स करने के बाद आपने क्या करना है, ये ड्रॉपर की मदद से, ये ड्रॉपर 3 सेंटीमीटर क्यूब का है, तो आपने 3 सेंटीमीटर क्यूब फिलिंग सॉल्यूशन बी देना है। ये देखें, ये फिलिंग सॉल्यूशन बी है। जी स्टूडेंट्स, ये ड्रॉपर की मदद से आपने क्या करना है, सबसे पहले 3 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो फिलिंग सॉल्यूशन बी ले लेना है। जी स्टूडेंट, फिलिंग सॉल्यूशन बी 3 सेंटीमीटर क्यूब लेने के बाद आपने इसमें फिलिंग सॉल्यूशन ए लेना है 3 सेंटीमीटर क्यूब। स्टूडेंट्स, आपने देखा सबसे पहले मैंने 3 सेंटीमीटर क्यूब फिलिंग सॉल्यूशन बी लिया, फिर फिलिंग सॉल्यूशन ए लिया और दोनों को मिक्स किया। अब मैं क्या करूँगा कि 3 सेंटीमीटर क्यूब जो ग्लूकोज का सॉल्यूशन है वो इसमें ऐड करूँगा, तो फिर ऑब्जर्वेशन देखते हैं क्या बनती है। स्टूडेंट, इसमें ग्लूकोज ऐड करने के बाद हम इसको हीट करेंगे। जब इसको हीट करेंगे तो हम देखेंगे कि जो ब्रिग रेड कलर की प्रेसिपिटेट है वो नीचे बन जाएंगे। स्टूडेंट, सबसे पहले फिर सुन लें, हमने सबसे पहले क्या करना है, फिलिंग सॉल्यूशन बी और ए को मिक्स करना है, फिर उसमें उतने ही 3 सेंटीमीटर क्यूब का ही आपने उसमें ग्लूकोज का सॉल्यूशन ऐड करना है और उसमें हीट करना है। तो हीट करने के बाद हम देखेंगे कि ब्रिग रेड कलर की जो है ना वो प्रेसिपिटेट बनेंगे। आप लोग देख सकते हैं कि इसका जो कलर है वो ब्रिग रेड कलर में चेंज हो रहा है, ठीक है ना। तो ये ब्रिग रेड कलर के प्रेसिपिटेट नीचे बन गए हैं, तो ये टेस्ट कंफर्म करते हैं कि ये जो सॉल्यूशन है ये एल्डिहाइड है। जी स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि ब्रिग रेड कलर के प्रेसिपिटेट बन गए हैं, तो ब्रिग रेड प्रेसिपिटेट बनना शो करता है कि जो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड था वो एल्डिहाइड था। स्टूडेंट, सबसे पहले आपने सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन लेना है 3 सेंटीमीटर क्यूब, फिर आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो सॉल्यूशन है वो 3 सेंटीमीटर क्यूब इसमें ड्रॉप वाइज ड्रॉप ऐड करना है। तो आपने ऑब्जर्वेशन चेक करनी है कि जो सिल्वर ऑक्साइड है ना उसके प्रेसिपिटेट बन जाएंगे। ये देखें, देखें जब हम मैंने ऐड किया तो ये सिल्वर ऑक्साइड के प्रेसिपिटेट बन गए। जी स्टूडेंट्स, मैंने सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन लिया, उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड किया, तो मेरे पास सिल्वर ऑक्साइड के जो है ना वो प्रेसिपिटेट बन गए। अब मैंने क्या करना है, इसमें से अमोनिया सॉल्यूशन पास करवाना है, यानी ड्रॉप वाइज ड्रॉप ऐड करूंगा, तब तक ऐड करते रहना है जब तक ये जो प्रेसिपिटेट बने हैं ये डिसअपीयर ना हो जाए। देख, आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे मैं अमोनिया सॉल्यूशन ऐड कर रहा हूं तो जो सॉल्यूशन है वो क्लियर होता जा रहा है, मतलब ये जो प्रेसिपिटेट है सिल्वर ऑक्साइड के वो खत्म होते जा रहे हैं। स्टूडेंट, जब इसमें सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड किया था तो सिल्वर ऑक्साइड के प्रेसिपिटेट बन गए थे, और बाद में जब मैंने इसमें अमोनिया सॉल्यूशन ऐड किया तो जो प्रेसिपिटेट बने थे सिल्वर ऑक्साइड के वो डिसअपीयर हो गए हैं, तो उनका डिसअपीयर होना ये शो करता है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड था वो एल्डिहाइड था। जी स्टूडेंट, हम लोग एक्सपेरिमेंट नंबर 31 परफॉर्म किया, उसकी सारी कैलकुलेशन मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ। हमने आइडेंटिफाई एल्डिहाइड किया यूजिंग फिलिंग सॉल्यूशन टेस्ट एंड टोलन टेस्ट। फिलिंग सॉल्यूशन टेस्ट में हमने क्या एक्सपेरिमेंट किया था कि हमने जो ग्लूकोज था उसको फिलिंग सॉल्यूशन जो था ए और बी का जो मिक्सर था उसमें हमने ग्लूकोज ऐड किया था और उसको फिर हीट किया था। जब उसको हमने हीट किया था तो जो ब्रिग रेड प्रेसिपिटेट थे वो फॉर्म हुए थे कॉपर ऑक्साइड के, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो कन्फर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड है वो मौजूद है हमारे पास। यानी अब ब्रिग प्रेसिपिटेट ऑफ कॉपर ऑक्साइड इज फॉर्म्ड इन द टेस्ट ट्यूब व्हिच कंफर्म दैट गिवन कंपाउंड इज एन एल्डिहाइड। टोलन टेस्ट के लिए हमने क्या किया था, सबसे पहले 3 सेंटीमीटर क्यूब हमने सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन लिया था, उसमें हमने ड्रॉप वाइज ड्रॉप सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड किया था। जब हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड किया था तो जो सिल्वर ऑक्साइड है उसके प्रेसिपिटेट बन गए थे, और बाद में हमने अमोनिया सॉल्यूशन ऐड किया था। फिर जब हमने ऑब्जर्वेशन देखी कि जब हमने अमोनिया सॉल्यूशन ऐड किया तो जो सिल्वर ऑक्साइड के प्रेसिपिटेट थे वो डिसअपीयर हो गए थे। सिल्वर ऑक्साइड के प्रेसिपिटेट डिसअपीयर होना अमोनिया ऐड करने से ये कंफर्म करता है कि जो गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड था वो एल्डिहाइड था।